राजस्थान में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जहां रफ्तार के कहर से हर दूसरे दिन कितनी ही जिंदगियां काल का ग्रास बन रही है। ताजा मामला जयपुर कोटा हाईवे पर सामने आया है, जहां एक खड़े कंटेनर में वैन घुसने से भयावह हादसा हो गया, जिसके बाद वैन में सवार ड्राइवर सहित चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल 2 मार्च सुबह करीब 4 बजे टोंक जिले के घाड़ इलाके के पास ये हादसा हुआ, जिसमें सभी मृतक खाटू श्याम दरबार मंदिर से दर्शन से लौट रहे थे। अभी हादसे की वजहों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन पता चला है कि वैन ड्राइवर को छपकी आने की वजह से वैन ट्रक में जा घुसी थी। साथ ही घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और आसपास से गुजर रहे लोगों ने काफी मशक्कत के बाद फंसे लोगों को बाहर निकाला। आपको बता दें, मृतकों में एक दंपति भी शामिल है। बता दें कि टोंक जिले के देवली से गुजर रहे नेशनल हाईवे के पास वैन ने अपना संतुलन खो दिया और वहां खड़े एक कंटेनर में जा घुसी, जिससे वैन वहीं चकनाचूर हो गई। हादसे में देवली के श्याम नगर के रहने वाले मनीष शर्मा, पत्नी ईशु शर्मा, अमित शर्मा और अजमेर के रहने वाले वैन ड्राइवर रवि की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मनीष और अमित दोनों सगे भाई थे। इसके अलावा हादसे में मनीष की बेटी दीपाली, अंशुल जैन और निकेश घायल हो गए हैं, जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से भीड़ हटाकर कार में फंसे शवों को बाहर निकाला गया। घटना के बारे में पुलिस ने जानकारी दी कि ये हादसा सुबह करीब 4:30 बजे देवड़ावास स्थित कृष्णा होटल के पास हुआ है, जहां वैन सवार सभी लोग टोंक की ओर से देवली आ रहे थे। साथ ही पुलिस ने बताया कि हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और एक घायल ने टोंक अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं सभी लोग खाटू श्याम जी के दर्शन कर घर ही लौट रहे थे और वैन में कुल 7 लोग सवार थे।